हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल पर्लिंस के बारे में। ये हमारे स्टील रूफ ट्रस का ही एक पार्ट है। लास्ट क्लास तक में हम लोग लोड्स कैलकुलेशन देखे थे कि डेड लोड, विंड लोड और लाइव लोड किस तरह से कैलकुलेट होता है, और उससे रिलेटेड हम लोग दो न्यूमेरिकल्स भी लास्ट क्लास में किए थे। अब लोडिंग्स तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे शीट्स हमारे पर्लिंस के ऊपर रेस्ट करते हैं, पर्लिन हमारे ट्रस के ऊपर रेस्ट करता है, तो पर्लिन डिजाइन करना हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस का होगा। अब पर्लिन क्योंकि अगर सेफ नहीं होगा तो पर्लिन आपको अगर फेल होता है तो उसके साथ साथ आपको पूरा शीटिंग फेल हो जाएगा। ट्रस फेल नहीं भी होगा तो भी आपके शीट्स अगर फेल हो गए तो आपका पूरा डिजाइन फेलियर हो जाएगा। तो इसके लिए पर्लिन का आपको सेफ होना बहुत जरूरी है। तो पर्लिन को सेफ करने के लिए का मतलब है कि पर्लिन को हमें डिजाइन करना पड़ेगा, और डिजाइन करने के कुछ क्राइटेरियाज होंगे कि हम लोग उसका बेंडिंग चेक करेंगे, हम लोग उसके डिफ्लेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, उसको हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो आप पर्लिन होगा वो आपका सेफ होगा। तो अब क्या क्या उसके कंडीशन है वो आपको बोर्ड पे दिए हुए हैं। आपको टोटल चार पांच स्टेप्स हैं। क्या कह रहा है ये देखिए, एज पर IS 800/1984 एंगल पर्लिंस ऑफ रूफ्स विद स्लोप लेस देन 30 डिग्री मे बी डिजाइंड एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर। हम लोग एक क्लास में डिस्कस किए थे कि जब हमारा स्लोप बहुत ज्यादा होगा या हमारा स्पैन बहुत ज्यादा होगा उस केसेस में हम लोग पर्लिंस नहीं यूज करके क्रॉस ट्रस को यूज करेंगे। तो जब आपका 30 डिग्री के अंदर का अगर आपका स्लोप होगा अगर आपके ट्रस का, तो आप पर्लिंस यूज करते हैं। तो उस केस में जब आप पर्लिंस 30 डिग्री से कम वाले रूफ ट्रस यूज करेंगे उस केस में आपको ये सारे स्टेप जो है वैलिड होते हैं। जब 30 डिग्री से ज्यादा होगा तो फिर आपको पर्लिंस उसमें नहीं आएगा, फिर उसमें आपको क्रॉस ट्रसेस आएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहले कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन पर्लिंस बाय, जो आपको पर्लिन का फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट का, जो आपका WL²/8 आप पढ़ते थे सिंपली सपोर्टेड में, लेकिन जब आप उसको कंटिन्यूस की तरह डिजाइन करते हैं तो वो WL²/10 हो जाता है वो फॉर्मूला। तो आपको पर्लिंस के केस में M=WL²/10 लेना है। अब इसमें कई बार आप WL²/10 नहीं देखते, WL/10 भी देखते हैं। तो ये क्या होता है कि आपका अगर ये बीम है और इसका अगर स्पैन आपका ये लेंथ L है, तो या तो आपको स्मॉल W पता होता है, इसका मतलब है कि आपको UDL गिवन है, और ये बता देता है कि 10 kN/m। तो इसका मतलब क्या है ये कि W kN/m अगर आपको बता दे रहा है तो आप फिर उसको क्या करते हैं कि स्पैन से आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपका ये एल लेंथ का है तो पहले आप उस पर मीटर को आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आप फिर से जब लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये WL² हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या कर रहा है, जब कैपिटल W है तो जब अगर क्वेश्चन में आपको ये गिवेन हो कि ये टोटल UDL का वेट W kN है, इसका मतलब है कि ये टोटल आपको मल्टीप्लाई करने के बाद बता रहा है। जैसे कि अगर इसका अगर एग्जांपल ले लें कि ये आपका 10 kN/m होता था और ये स्पैन की अगर हम आपका 10 ले लें, तो आपको अगर कहा जाएगा कि टोटल UDL का वेट निकालिए, तो आप 10 kN/m और आप 10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 100 kN का UDL है, और कहां पे एक्ट कर रहा है, सेंटर पे एक्ट कर रहा है। तो ये जो 100 kN है ये होगा आपका कैपिटल W, और जो स्मॉल W था वो जाएगा आपको 10 kN/m। तो ये डिफरेंस आपको स्मॉल W और कैपिटल W में है, दोनों एक ही चीज। जब आप 10 और 10 से मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो भी यही बेंडिंग मोमेंट आएगा, और जब आप एक बार नहीं 100 को आप डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको यही वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कई बुक्स में आपको ये गिवन है, कई बुक्स में आपको ये गिवन है। अब ये हो गया, इसे आप बेंडिंग मोमेंट निकालिए। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, स्पैन आपको पता रहेगा, सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, जैसे आपका पर्लिन कहाँ सपोर्टेड होता है, ये आपका एक ट्रस है और यहाँ आपका दूसरा ट्रस है, इसको जो आपस में ये आपका पर्लिन इस तरह से कनेक्टेड रहता है, तो ये सेंटर से लेके ये सेंटर जो डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं, वो आपका पर्लिन के केस में क्या हो जाएगा, स्पैन लेंथ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका इसमें एल। अब W जो होगा, ये W आपको निकालना होगा डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड तीनों निकालना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको टोटल लोड जो आ जाएगा उसका आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। अब जैसे पर्लिन के केस में आपको पर्लिन पे आपका डेड लोड और लाइव लोड एक बार में एक्ट करेगा। अब आपको कॉम्बिनेशन होते हैं लोड के, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कि कौन कौन सा लोड किसके साथ कंबाइंड होगा। तो अगर आपका पर्लिन का डेड वेट है तो वो डेड लोड हुआ, फिर आपको लाइव लोड उसके ऊपर जो पर्सन आते हैं और विंड लोड चलता है। तो एक बार में जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो या तो डेड लोड के साथ लाइव लोड बनेगा या फिर डेड लोड के साथ विंड लोड बनेगा, क्योंकि डेड लोड के साथ लाइव लोड और विंड लोड तीनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है, क्योंकि जब विंड लोड अपने मैक्सिमम प्रेशर पे होगा तो उस समय रूफ के ऊपर में कोई पर्सन नहीं होगा, ऐसा एज्यूम किया जाता है। क्योंकि जब भी विंड का प्रेशर ज्यादा लगने लगेगा तो जो भी पर्सन ऊपर होंगे वो आपको वहां से रूफ ट्रस से नीचे आ जाते हैं, तो इसलिए डेड लोड प्लस या तो आप विंड लोड लेंगे, ये आपका जो लोड निकलेगा वो गवर्न करेगा, या तो आपका डेड लोड के साथ लाइव लोड होगा और विंड उस समय मिनिमम होगा।
या विंड नहीं हो रहा होगा या उसका प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होगा, तो आपको जो पर्सन का वेट होगा, जो डेड वेट होगा, ये आपको गवर्न करेगा। तो ये दोनों जब आप निकालेंगे तो इससे आपको टोटल निकल जाएगा आपका डब्ल्यू, मतलब टोटल वेट आ जाएगा आपके पर्डेंस के ऊपर, प्लस डेड लोड में आपका उसका सेल्फ वेट वगैरह भी सब आ जाता है। तो ये आपका लोड निकलेगा, उस लोड से आप निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब लोड कैसे निकलता है ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अगर पर्डलिंग में आपको विंड लोड का भी अगर आपको यूडीएल पड़ेगा तो वो उसका उसी के अकॉर्डिंगली आपको होगा, कि बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशंस आपका इजी होगा, वो आपको उसमें कोड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जब इसे रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आपका लोड्स आ गया, लोड्स से आप बेंडिंग मोमेंट निकालिए। अब जब बेंडिंग मोमेंट निकाले हैं और एक स्ट्रक्चर है पर्डलिन जो कि आपको बेंड करेगा लोड पड़ने पे, तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो आपका काम क्या होगा कि आप सेक्शन मॉडुलस चेक करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस आता है इसका मतलब आप सेक्शन मॉडुलस चेक करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे सेक्शन मॉडुलस चेक करेंगे, और सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है कि एम बाई जेड होता है, सॉरी जेड का मतलब एम बाई सिग्मा होता है। तो जब एम बाई सिग्मा आप लेते हैं, सिग्मा बीसी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बीम्स के चैप्टर में कि 0.66 एफआई होता है, 250 लेंगे तो उसके इसमें सिग्मा बीसी आपका 165 हो जाता है। लेकिन ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी हम लोग विंड लोड या अर्थक्वेक लोड को कंसिडर करते हैं तो जो भी हमारा स्ट्रेस होता है हम लोग उसको 33.33% इंक्रीज कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो भी आपका सिग्मा बीसी आएगा उसको आप 1.33 टाइम्स उसका लेंगे, क्योंकि 1 टाइम्स ये होगा और उसमें 33.33% आप इंक्रीज करेंगे तो टोटल आपको 1.33 हो जाएगा। तो ये वो फैक्टर है जो आपको आ रहा है फॉर विंड लोड। तो इसका मतलब है कि आपका जेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम बाई 1/1.33 सिग्मा बीसी। ठीक है, तो सिग्मा बीसी अगर 165 होगा तो 1.33 से मल्टीप्लाई करके फिर आप जेड रिक्वायर्ड निकाल लेंगे। अब आपको जेड रिक्वायर्ड पता चल गया। अच्छा, ये उस केस में होगा जब आपका डेड लोड प्लस विंड लोड की वजह से आप लोड की वजह से मोमेंट निकालेंगे, उस केस में आपका ये 1.33 होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ डेड लोड और लाइट लोड निकालेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो पर्डलिन पे लोड आ रहा है वो विंड डायनेमिक लोड्स नहीं, मतलब अर्थक्वेक और विंड लोड नहीं है, आपका वो सिर्फ ग्रेविटी लोड्स है, डेड लोड और लाइट लोड। तो उस केस में ये 1.33 नहीं होगा, उस केस में ये सिर्फ एम बाई सिग्मा हो जाएगा जो हम लोग अब तक करते थे बेंडिंग स्ट्रेस का। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो 1.33 वैल्यू आप ले रहे हैं ये सिर्फ तब लेंगे आप जब आपका विंड लोड यहाँ पे कंसिडर होगा बेंडिंग मोमेंट के केस में। ठीक है, ये एक छोटा सा स्टेप है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये कैच है आपका। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप है कि सिलेक्ट द एंगल विद जेड स्लाइटली ग्रेटर देन जेड रिक्वायर्ड। अब तक हम लोग जब भी कोई सेक्शन चूज कर रहे थे तो उसमें हम लोग कुछ परसेंटेज रखते थे कि 10% ज्यादा रखना है, 20% ज्यादा रखना है, उस पर अलाउंस लेते थे। पर्डलिंस के केस में आपको कोई अलाउंस नहीं लेना है, जो जेड रिक्वायर्ड आपका आ रहा है आप उससे जस्ट ग्रेटर, आपको जो साइज स्टील टेबल में मिलता है कि जेड रिक्वायर्ड से ज्यादा जेड जिस एंगल का होगा आप वो वाला एंगल उसमें चूज कर सकते हैं, वो आपका एंगल पर्डलिंग की तरह यूज होगा। अब इसमें भी क्या ध्यान रखना है कि जो जेड आप चूज कर रहे हैं वो जेड रिक्वायर्ड से ज्यादा आ रहा है, ये तो एक कंडीशन हुआ, लेकिन अब डिफ्लेक्शन भी एक क्राइटेरिया होगा। तो डिफ्लेक्शन के लिए आपको कोई चेक्स नहीं, एक तरह से कैलकुलेशंस नहीं कह रहा है, वो बस कह रहा है कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दो कंडीशंस आपको गिवन है, विड्थ ऑफ द एंगल और डेप्थ ऑफ द एंगल। जो आपके दो लेग्स होते हैं जिसको हम लोग ए और बी कहते हैं, उन दो लेग्स को हम लोग जब हम लोग ट्रस में आते हैं तो पर्डलिंस के तहत उसको यूज करते हैं, तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो आउटस्टैंड लेग होता है वो रूफ के पैरेलल होता है और बाकी आपको ये हाइट जो होता है ये आपको रूफ के परपेंडिकुलर होता है। इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, एक सीट एंगल से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो हाइट ये बना रहा है ये डेप्थ ऑफ एंगल कहलाएगा, और ये जो रूफ के पैरेलल में जो पोर्शन उसको मिल रहा है जिससे वो रूफ के साथ कनेक्शन बनाएगा वो आपको विड्थ ऑफ द एंगल कहलाएगा। तो ये विड्थ और डेप्थ के लिए आपको कंडीशंस गिवन है कि विड्थ जो है ये एल बाई 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, और जो एंगल डेप्थ ऑफ एंगल पर्डलिन है ये आपको एल बाई 45 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपको जेड रिक्वायर्ड जो चेक करना है वो आप चेक किए, आपको जो एक एंगल आपका फॉर एग्जाम्पल अगर 100/65 आपका और बाई 6 आपका जेड रिक्वायर्ड में पास हो रहा था, तो आपको ये भी देखना होगा कि आपका स्पैन का जो लेंथ है वो डिवाइडेड बाय 60 जो आप करते हैं तो वो आपका जो विड्थ, अगर आपका 100 विड्थ है तो 100 उससे ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जब एल बाई 45 करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो उससे ज्यादा है या नहीं है, अगर वो उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में भी आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आपको टोटल दो चेक्स रखने हैं, एक जो आपको जेड रिक्वायर्ड निकालना है उससे ज्यादा आपका जेड प्रोवाइडेड होना चाहिए, और दूसरा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपको विड्थ और डेप्थ का ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो जब आप दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेंगे तो वो जो एंगल आपका दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपका फाइनल होगा। अगर ये वाला आपका जेड रिक्वायर्ड में पास हो जाता है लेकिन आपका इस कंडीशन में ये फेल हो रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, 110 बाई
70/6 अगर आपका पास हो रहा है इन कंडीशंस में और इसका जेड वैसे भी इससे ज्यादा ही है, तो ये सेक्शन आपका एंगल सेक्शन फाइनल होगा जो आप लेंगे अपने एंगल पर्डलिंग के तरह यूज करेंगे। तो ये है आपको डिजाइन का वो स्टेप्स जो आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी स्टेप्स है, ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली आपको दो स्टेप्स याद रखना है, बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद बेंडिंग स्ट्रेस चेक करना है। बेंडिंग स्ट्रेस में ये ध्यान रखना है कि 1.33 तब लगाएंगे जब हम लोग विंड लोड के लिए लेंगे, अगर डेड लोड और लाइव लोड के लिए सिर्फ लेंगे तो आपको एम बाई सिग्मा ही डायरेक्टली हम लोग करेंगे, उससे जो ज्यादा आएगा वो हो गया आपका एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि आपको ये एल बाई 60 और एल बाई 45 का ध्यान रखना है, एल बाई 60 विड्थ के केस में करना है और डेप्थ के केस में आपको एल बाई 45 करना है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है L/60 और L/45 से कि अगर हम लोग इक्वल एंगल यूज करते हैं 100/100 तो हम लोगों को L/60 इस कंडीशन से सेटिस्फाई करना है और L/45 इस कंडीशन से सेटिस्फाई करना है। तो मान लीजिए कि अगर आपका स्पैन फॉर एग्जांपल 6 मीटर्स का है तो इसका मतलब है कि 6000 mm हो गया। तो जब आप 6000 mm से इसको डिवाइड करेंगे 6000 डिवाइडेड बाय 60 तो ये आपको 100 से ज्यादा होना चाहिए एक लेन, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसी 6000 के लिए जब आप 45 से उसको डिवाइड करेंगे तो वो आपको कितना आ जाएगा 120 के अप्रोक्स कुछ ऐसा आ जाएगा, 100 से तो ज्यादा ही आएगा क्योंकि 60 से 100 आ रहा था तो 45 से और ज्यादा वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका ये लेन और ये लेन इक्वल रिक्वायर्ड तो आ नहीं रहा है, ये 120 है और ये 100 है। इसका मतलब है कि अगर आप 120/100/6 अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा 60 और 45 का। अगर दोनों 60 होता या दोनों 45 होता तो हम लोग इक्वल एंगल्स प्रिफर करते हैं। तो यहां भी आपको पर्लिंस के केस में भी ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पर्लिंस यूज करेंगे वो आपको अनइक्वल एंगल ही ज्यादातर प्रिफर करना है, क्योंकि इक्वल एंगल अगर आप प्रोवाइड भी करेंगे तो वो उसमें जो दूसरा वाला लेग होगा उसमें कुछ वेस्टेज हो जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट उतनी होगी नहीं साइज की जितने साइज का आपका इक्वल लेग में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर आपको सेटिस्फाई करने के लिए 120 चाहिए और इधर भी अगर आप 120 का ही ले लिए 100 के बदले तो आपको रिक्वायरमेंट तो इधर 100 का था लेकिन आप ले लिए 120 का लेग, तो वो 20 mm का वेस्टेज होगा। फिर आप जितने भी पर्लिंस यूज करेंगे वो सारे में वो वेस्टेज काउंट होते होते बहुत बड़ा वेस्टेज हो जाएगा। तो ये हमेशा इसमें भी ध्यान रखना है पर्लिंस के केस में भी कि हम लोगों को यूज करना है अनइक्वल एंगल वाला एंगल, ठीक है। तो ये है आपको डिजाइन स्टेप्स। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स जल्दी से कर लेते हैं, इससे हम लोगों का पर्लिंस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और हमारा यूनिट 4 जो है वो यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा स्टील रूफ ट्रस का। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलम बेसिस के बारे में। अब हम लोग दो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करते हैं पर्लिंस से रिलेटेड, पहला जिसमें हम लोग विंड लोड को नहीं कंसिडर करेंगे और दूसरा जिसमें हम लोग विंड लोड को कंसिडर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन क्या है, डिजाइन एन अनइक्वल एंगल पर्लिन फॉर एसी कॉरुगेटेड रूफिंग फॉर अ स्टील रूफ ऑफ स्पैन 12 मीटर राइज 3 मीटर स्पेसिंग 2.75 मीटर सेंटर टू सेंटर, टेक डेड लोड इक्वल टू 1.25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर नॉर्मल टू रूफ, प्रोवाइड पर्लिंस वन एट ईच ऑफ द स्लोप एंड द अदर्स इक्वली स्पेस्ड। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तो कह रहा है आपको पर्लिन डिजाइन करने के लिए लेकिन वर्ड्स में क्या कह दे रहा है, कह रहा है डिजाइन एन अनइक्वल एंगल पर्लिन। अगर अनइक्वल एंगल पर्लिन नहीं कहता तो भी हम लोग पहला चॉइस क्या लेते, अनइक्वल एंगल का लेते, लेकिन उसके कह देने का मतलब अब क्या हुआ कि अब आप इक्वल एंगल चूज नहीं कर सकते किसी भी केस में, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अनइक्वल ही चूज करना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एसी कॉरुगेटेड शीट है आपके रूफ के रूप में, लेकिन अब उसका आपको काम इसलिए नहीं है क्योंकि आपको डेड लोड जो है वो आपको डायरेक्टली बता दे रहा है कि इतना डेड लोड आपका आया हुआ है। अगर वो नहीं पता होता तो आप डेड लोड को भी पैनल के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते और उसका सेल्फ वेट से आप उसको मल्टीप्लाई करते तो उससे आपको टोटल डेड लोड आ जाता, ये आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे रहा है। अब ये कौन सा लोड दे रहा है, ये कह रहा है टेक डेड लोड इज इक्वल टू 1.25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर नॉर्मल टू रूफ। हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे कि अगर ये हमारा एक ट्रस है इसके ऊपर जो हमारा डेड लोड आता है वो डेड लोड आपका अगर यहाँ पे आपका एंगल है इस तरह से तो ये इसके ऊपर हम लोग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सीजी ऑफ अर्थ लेते हैं, ये होता है आपका डेड लोड। लेकिन ये अब क्या हो रहा है कि जब आप पर्लिन डिजाइन करेंगे तो पर्लिन आपका इस तरह से है तो इसका पर्लिन का जो नॉर्मल परपेंडिकुलर सर्फेस है वो आपको ये वाला है शीट्स का, तो अब शीट्स के ऊपर अगर आपको ये वाला लोड पता रहेगा एग्जैक्टली जो इसके एंगल के सीजी पे लाई करेगा और इसी से इसका जो ये आपको डेड लोड भी हो जाएगा और इसी पे जो आपका लाइव लोड भी हो जाएगा, ये अगर आपको डायरेक्टली पता रहेगा तो फिर आपको पर्लिंस का जब आप डिजाइन करेंगे तो पर्लिंस एज अ बीम जब आप डिजाइन करेंगे इस तरह से जब आप WL2/10 निकालना चाहेंगे तो वो जो आप W लेते हैं वो क्या होता है, कंसेंट्रिक लोड्स होता है जो इस एंगल के ऊपर ट्रांसवर्स लोडिंग आता है 90 डिग्री पे आपको बीम के आता है।
तो वो आप लेते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जो हम लोग डेड लोड निकालते हैं कैलकुलेट करके, वो हमारा ये वाला डेड लोड होता है जो हमारा नॉर्मल टू द सर्फेस होता है, जो ग्राउंड से नॉर्मल होता है आपको। लेकिन इस केस में क्या होगा, ट्रसेस के केस में, कि आपको नॉर्मल टू द पर्लिन लेना होगा। तो अगर इन केस किसी क्वेश्चन में आपको अगर कैलकुलेट करने के लिए दे, तो आपको फिर नॉर्मल से ये जो एंगल बनाएगा, ये आपको वही एंगल बनाएगा जो एंगल ये बना रहा है। ये आपको अगर 30 डिग्री से लेस जो भी आएगा, अगर आपको 26 डिग्री है, तो आपको 26 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई करके वो कॉस थीटा उसका कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला, आपको वो वाला लेना होगा डेड लोड के लिए। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये जो 1.25 बता रहा है, वो आपका ये वाला कॉम्पोनेंट ही आपको बता रहा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है नॉर्मल टू रूफ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आपको डेड लोड में कोई भी चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आपको एसी कोरोगेटेड शीट देता भी है तो भी आपका उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्टली डेड लोड मिल चुका है, डेड लोड इज इक्वल टू 1.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको सिर्फ मीटर स्क्वायर का काम है, मीटर स्क्वायर आपको पता चल जाएगा तो आपको टोटल डेड लोड पता चल जाएगा, उससे आपका बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपको कंडीशन दिया हुआ है, स्पैन का है, राइज है, स्पेसिंग है, और आपको कह रहा है प्रोवाइड पर्लिंस वन एट ईच ऑफ द स्लोप एंड द अदर्स इक्वली स्पेस्ड। मतलब एक अगर आप स्लोप पे यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो दूसरा आपका एंगल होगा वो सारा आपको इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। तो हम लोग वैसे भी जो हम लोग अभी ट्रस एनालिसिस पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पर्लिन जो है वो सारे इक्वल स्पेस ही ले रहे हैं, क्योंकि इक्वल स्पेस रहेगा तभी आपके ट्रस के ऊपर जो आपका पर्लिन, अगर आप एक को डिजाइन करेंगे अगर आप 2.35 मीटर के लिए, तो सारा आपको 2.35 के लिए ही डिजाइन होगा, तभी आपका सिमिलरिटी एक तरह से सिमेट्री रहेगा। वरना आपको ये पर्लिन दूसरे साइज का, ये पर्लिन दूसरे साइज का, फिर जो दूसरे साइज का देंगे तो उसमें हाइट का इश्यूज होगा, कोई आपको 120 हाइट का होगा, कोई आपको 100 का ही रिक्वायर्ड होगा। तो हम लोग वैसे भी अनइक्वल नहीं प्रोवाइड करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता ये वाला लाइन, तो हम लोग अगर ये हमारा टोटल स्पैन ये हो रहा है, इसमें अगर आपके ये 6 मीटर है, तो हम लोग 2 मीटर 2 मीटर इस तरह से करके ही हम लोग अपना एंगल पर्लिंस को प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो पैनल लेंथ बनता ये हमारा सब में इक्वल बनता, और एजेस वाले में है वो जो हाफ बनता। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब आपको निकालना है पर्लिन डिजाइन करना है, आपको डेड लोड बता दिया गया है। अब आपको पहला पर्पस क्या है आपका, बेंडिंग मोमेंट निकालना। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है WL²/10, लेकिन आपको इसमें और कोई लोड नहीं दिया, इसमें मतलब आपको सिर्फ डेड लोड के लिए कह रहा है पर्लिन डिजाइन करने के लिए, लाइव लोड का आपको कोई कंडीशन इसमें नहीं दे रहा है। तो आप चाहे तो लाइव लोड आप खुद से कैलकुलेट कर लें, क्योंकि सिर्फ डेड लोड के लिए पर्लिन डिजाइन करने तो ऐसा कह नहीं रहा है, वो कह रहा है डिजाइन एंड एंगल सेक्शन पढ़ लें। तो इसका मतलब है कि डेड लोड आपको मिल गया है, अब आप लाइव लोड भी निकाल लीजिए। विंड के लिए अगर होता तो विंड के लिए कंडीशन आपको गिवन होता, तो कंडीशन नहीं गिवन है, मतलब आपको सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड निकालना है। अब लाइव लोड क्या होगा कि जब आपका स्लोप आपका 10 डिग्री से कम होगा तो आपका लाइव लोड हो जाता है 0.75। इस केस में आपका स्लोप कितना भी आपको ये नहीं पता है, हाइट पता है 3 मीटर, स्पैन पता है 12, जिसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा हाफ स्पैन का 6। तो आप अगर इसको tan थीटा करके निकालेंगे तो ये आपको आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 26 पॉइंट समथिंग डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको जब थीटा 26 है, मतलब 10 से ग्रेटर है, तो आप यूज करेंगे फॉर्मूला 0.75 माइनस 0.02 इंटू थीटा का जो वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा आपको थीटा इज इक्वल टू 10 inverse 3/6। तो थीटा हो जाएगा 26.56 डिग्री। अब आपका ये हो जाएगा 26.56 माइनस 10, तो आपका ये टोटल लाइव लोड आ जाएगा 0.42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको डेड लोड मिल गया, लाइव लोड मिल गया, तो आपका टोटल लोड कितना आएगा आपके पर्लिन के ऊपर, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, अब ये जो आपका लाइव लोड भी निकला है, ये आपका 0.42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकला है, तो लाइव लोड भी जब आपका रूफ के ऊपर आता है तो वो आपका इसमें आता है, इस डाउनवर्ड्स आता है आपका टुवर्ड्स द सीजर पार्ट। तो ये आपका लाइव लोड आया है, तो ये आपको आया है 0.42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको लेना है नॉर्मल टू रूफ, तो जब नॉर्मल टू रूफ लेना है, इसका मतलब है कि ये कितने से इंक्लाइंड है, 26.56 डिग्री से, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 26.56 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर लाइव लोड नॉर्मल टू रूफ इज इक्वल टू 0.42 कॉस 26.56 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपको 0.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अब यहां पे आपको 0.4 मिनिमम नहीं लेना है, क्योंकि यहां पे आपका 0.4 दिस इज ग्रेटर देन 0.4 किलो न्यूटन मीटर है, इसलिए यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब आप इसका क्योंकि कॉस पर वाला कंपोनेंट ले रहे हैं इसलिए 0.375, आप इसका साइन लेते तो ये और रिड्यूस हो जाता, तो इसलिए यहां पे आपको 0.4 मिनिमम नहीं रखना है, ये 0.375 ही होगा। तो अब आपका टोटल लोड ऑन पर्लिन नॉर्मल टू रूफ ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1.25 प्लस 0.375, तो ये हो जाएगा आपको 1.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये आया आपका वो W जो आपका इस पैनल के ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी आपको अगर हम लोग इसको सारे को इरेज कर दें, अभी आपको ये एक एंगल है इसके ऊपर कुछ हाफ इधर का और हाफ इधर का आएगा, इसके ऊपर आपका ये जो टोटल लोड आ रहा है ये आ रहा है 1.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको ये नहीं पता है कि ये एरिया कितना होगा, क्योंकि आपको स्पैन पता है कि इसके बाद जो दूसरा वाला ट्रस आ रहा है उसके दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है ये आपको 2.75 पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसका ये टोटल पैनल का ये लेंथ कितना होगा। तो आपको जब क्वेश्चन में स्पैन गिवन है 12 मीटर का, तो आपको 12 मीटर के हिसाब से आपको पहले अपना ट्रस जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रस यूज कर रहे हैं। तो हम लोग कोई सा जो 12 मीटर में सुटेबल हो हम लोग वो वाला ट्रस यूज कर सकते हैं, चाहे तो आपका वो कंपाउंड ट्रस हो सकता है या फिर आपका वो फैन ट्रस हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कोई सा भी चूज करेंगे, हम लोग कंपाउंड चूज कर लेते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये टोटल स्पैन जो है ये आपका 12 मीटर का होगा, इसका मतलब कि ये सेंटर टू सेंटर आपका 6 मीटर का होगा। तो अब 6 मीटर का है तो इसका मतलब कि ये आपका 26.56 डिग्री है, तो ये वाला आपको कितना हो जाएगा 6/26.56 डिग्री हो जाएगा, ये आपको cos 26.56, तो ये आ जाएगा आपको ये जो टोटल लेंथ आ जाएगा ये आ जाएगा आपको 6.707 मीटर। तो आपको ये पता चल गया कि आपको 6.7 का है, तो अब आप इसको कितने इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे ये आपको ध्यान दे देना है। तो अब आपका 6.7 अगर है, अगर आप उसको 3 इंटरवल्स में करेंगे तो आपको पर इंटरवल्स 2200 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जब आप कंपाउंड ट्रस यूज कर रहे हैं तो आप एक इस तरह से यूज कर लेंगे, एक आप इस तरह से यूज कर लेंगे, और इसको आप आपस में यहां से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, यहां से भी आप चाहे तो यहां से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि आपका जब ये 3 पार्ट में आ रहा है तो आपका यहां पे एक आएगा इस तरह से एंगल पर्लिन, यहां पे दूसरा आएगा आपका एंगल पर्लिन, यहां एज पे एक आएगा एंगल पर्लिन, और यहां भी एज पे आएगा एक एंगल पर्लिन। तो ये जो एंगल टू एंगल के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपको 6.707 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2.236 मीटर्स। तो ये एक स्पैन हो जाएगा 2.236 सेंटर टू सेंटर, फिर ये भी 2.236 और ये भी आपको 2.236। अब आपका ट्रस जो है ये चूंकि सिमेट्री है तो हम लोग एक साइड जो करेंगे वही दूसरा साइड भी प्रोवाइड होगा। तो 12 मीटर में से हाफ 6 मीटर था, ये टोटल 6.707 था, इसको हम लोग 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिए। तो अब हमारे पास ये वाला जो आपका एंगल पर लेन आ रहा है इसमें या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जो रूफिंग प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग कुछ इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल पे भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये हाफ और यहाँ का ये वाला जो लेंथ होगा ये हम लोग इतना आगे कर देंगे कि ये पैनल के बराबर हो जाएगा। तो इस पे भी आपको टोटल लोड उतना ही आएगा जितना इस पे और इस पे आ रहा है, सिर्फ इस वाले एंगल पे आपको जो लोड आएगा वो आपका हाफ आएगा, क्योंकि ये आपका स्पैन सिर्फ इतना ही इसके ऊपर लोड एक्ट करेगा। तो हम लोगों को जब डिजाइन करने बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वाले लोड के लिए डिजाइन करेंगे। तो हम लोग कोई सा भी एक इंटरमीडिएट पैनल वाले पर्लिन को डिजाइन कर लेंगे, तो इससे हम लोगों को टोटल 2.236 का जो एरिया है उसका जो लोड आ रहा है उसमें अगर सेफ हो गया तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम ही प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अगर सेम नहीं प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग छोटा एंगल प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से, तो फिर आपको इसका कनेक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम लोडिंग के लिए निकालते हैं कौन सा एंगल रिक्वायर्ड है और उसको ही हम लोग सारे जगह प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैक्सिमम लोडिंग किस पे आएगा, किसी भी इस दोनों में से एक एंगल पे, हाफ इसका एरिया और हाफ इसका एरिया, मतलब 2.236 का हाफ, इधर भी 2.236 का हाफ, तो ये टोटल लेंथ ही आपको हो जाएगा 2.236। अब इतने दूर का एरिया, ये जो आपको शीट है
ये आपको 2.236 इसका टोटल इसका लेंथ है, इसके बीच में आपको यहां पे एंगल आ रहा है इस तरह से, इसके नीचे में एक्चुअली यहां पे आपको इस तरह से एंगल आ रहा है। अब इसके ऊपर आपको टोटल लोड आ रहा है 1.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर स्क्वायर है तो अगर आपको ये आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तो 1.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको अगर आप इस वाले आपके जो विथ है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.236 मीटर से, तो ये मीटर और मीटर कट जाएगा, तो ये जो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर में। तो आपको क्या चाहिए, पर्लिन के ऊपर पर मीटर में ही लोड चाहिए, तो क्योंकि अब आप इस पर्लिन का जब डायग्राम बनाएंगे तो ये आपको 2.75 के स्पैन का पर्लिन है और इसके ऊपर आपको पर मीटर करके आपको एक यूडीएल पता चल जाएगा, तो उसमें से फिर आप WL²/10 का फॉर्मूला यूज करके आप अपने बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो हम लोग अगर निकालें कि टोटल लोड पर मीटर ऑन पर्लिन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2.236 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 3.63 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपको ये मिल गया आपका स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि आपको ये आ गया किलो न्यूटन पर मीटर में। अब आप अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा WL²/10, तो ये हो जाएगा 3.63 इंटू एल है आपका 2.75, आपको स्पेसिंग जो गिवन था दो ट्रस के बीच का वो 2.75 है, तो वही आपका एल हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर है, इंटू 2.75 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा आपको 2.748 किलो न्यूटन पर मीटर, सॉरी किलो न्यूटन मीटर, ये मोमेंट आ गया आपको, ठीक है। अब आपको मोमेंट पता चल गया है, अब आपको एम बाई जेड अगर आप करेंगे और आपका इसमें विंड लोड नहीं है तो आप डायरेक्टली एम बाई जेड कर देंगे या जेड निकालने के लिए एम बाई सिग्मा कर देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना सेक्शन मॉडुलस आपका रिक्वायर्ड है, तो जेड रिक्वायर्ड आ जाएगा एम बाई सिग्मा। सिग्मा हम लोगों को पता है कि 165 है, तो एम है आपका 2.748 किलो न्यूटन को मीटर में बदलेंगे, न्यूटन में बदलेंगे तो 10^3 और मीटर में करेंगे तो 10^3, तो 10^6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 165, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू 165 MPa फॉर FY इज इक्वल टू 250। सारी चीजें इसमें से ना बतानी पड़ेंगी, तो अब इसमें आपको Z रिक्वायर्ड जो आ जाएगा ये आ जाएगा 16654.5 mm³। अब आपको क्या करना है, आपको ये Z रिक्वायर्ड आ गया है, अब आपको चेक करना है कि इससे ज्यादा का Z आपके किस वाले सेक्शन में अवेलेबल है। लेकिन इसके पहले आपको क्या पता करना है, आपको ये भी देखना है कि जो आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया था कि जो आपका विथ ऑफ पर्लिन ये आपका L बाई 60 से कम नहीं होना चाहिए और डेप्थ ऑफ पर्लिन ये आपको L बाई 45 से कम नहीं होना चाहिए। तो अब आपका L कितना है, 2.75 इसका mm में करें तो 2750 mm डिवाइडेड बाई 60, और ये आपको हो जाएगा L बाई 45 के लिए आ जाएगा 2750 डिवाइडेड बाई 45, तो ये हो जाएगा आपको 45.83 mm, और ये हो जाएगा आपको 61.11 mm। मतलब अब आपको Z रिक्वायर्ड तो आपको पता चल गया है, इससे तो ज्यादा कहीं Z रिक्वायर्ड जिसमें होगा वो आपको प्रोवाइड करना है, बट साथ ही उसका जो साइज होगा वो 61 से ज्यादा और 45 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपको जो नियरेस्ट होगा वो एटलीस्ट 65 mm का और इसमें एटलीस्ट आपको 50 mm का होना होगा अनइक्वल एंगल, और इससे ज्यादा का ही एटलीस्ट हो, इससे कम का नहीं हो सकता है, क्योंकि कम का होगा तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब आपको दो चीज देखना है, पहला कि Z रिक्वायर्ड किसमें इससे ज्यादा है, और जिसमें इससे ज्यादा है उसका साइज आपको इससे ज्यादा है या नहीं है। अब Z रिक्वायर्ड के लिए जब आप देखने जाएंगे तो आपको एंगल के लिए दो Z आपको अनइक्वल एंगल में Z XX और Z YY आपको मिलेगा। अब आपको कौन सा वाला देखना है, तो जब आप एंगल लगा रहे हैं पर्लिंस आप उस शीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका ये वाला जो एक्सिस होता है ये XX है और ये वाला एक्सिस जो है ये आपका YY है। अब इसके ऊपर अगर आपका शीट आ रहा है तो आपका लोडिंग आपका किस तरह आएगा, इस तरह से आएगा,
इस तरह से आएगा तो इसमें बेंडिंग किस तरह से होगा, डाउनवर्ड्स होगा। तो जब डाउनवर्ड बेंडिंग होगा तो आपको वाई वाई एक्सिस में अगर आपको सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड उतना होगा तो आपको वो बेंडिंग को रेजिस्ट करेगा। तो हम लोगों को चाहिए एम जेड वाई वाई वाला हमारा, हम लोगों को सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड चाहिए। तो हम लोग स्टील टेबल में जाएंगे और वहां जाके देखेंगे कि इससे ज्यादा जेड वाई वाई किस सेक्शन में अवेलेबल है। तो स्टील टेबल में आईएसए 125/95/8 अगर आप देखेंगे तो उसका जेड वाई वाई जो आपको है उसमें वो 18,500 mm³ है और यही सबसे ज्यादा है। इसके बाद जो सबसे पहला वाला जो वैल्यू से ज्यादा है वो आपको इसी में आता है आईएसए 125/95 में। तो ये आपका जेड जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके जेड रिक्वायर्ड से ज्यादा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन आप दूसरा कंडीशन क्या था कि आपको ये 45.83 से ज्यादा होना चाहिए और दूसरा 61.11 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको प्लेस किस तरह से करेंगे, जो हमारा कौन सा विथ होगा कौन सा हमारा हाइट होगा। तो जब भी याद रखिए कि जब आप पर्लिंस यूज करते हैं इसमें बेंडिंग आने वाला है, तो बेंडिंग आने वाला है तो बेंडिंग के साइड में हम जेड रिक्वायर्ड ले रहे हैं ज्यादा, तो हमको बेंडिंग के साइड में हमको सबसे ज्यादा हाइट प्रोवाइड करना है। तो इसका मतलब है कि किसी भी एंगल सेक्शन में हमारा जो हाइट होगा वो ज्यादा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है 125 आपको ये वाला हाइट प्रोवाइड हो रहा है और 95 आपको ये वाला विथ प्रोवाइड हो रहा है। अब आपको विथ का चेक कर लेना कि 50 से ज्यादा आना था ये आ रहा है 95, और आपको डेप्थ चेक कर लेना था 65 से ज्यादा आ रहा था ये आ रहा है 125। तो इसका मतलब आपको यहां पर लिख देना सिंस आपको विथ इज ग्रेटर देन 45.83 एंड डेप्थ इज ग्रेटर देन 61.11 mm, therefore और z required तो यहाँ लिखी थी 19,500 which is greater than 16,654। तो ये यहाँ से satisfied हो जाएगा आपको। और दूसरा condition आप यहाँ लिख देंगे तो therefore choose यहाँ लिख देंगे directly provide ISA 125/95/8। अब ये आपको क्या कह रहा था, डिजाइन करने के लिए कह रहा था। आप ये अपना पर्लिन चूज कर लिए, पर्लिन चूज करने का आपका डिजाइन का जो सारा क्राइटेरिया था आप वो सेटिस्फाई कर लिए। तो इस तरह से आपका बनता है पर्लिन का न्यूमेरिकल। आप सेकंड हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें आपका विंड लोड भी आएगा, कॉन्सेप्ट सारा सेम रहेगा, बहुत जल्दी आपको सॉल्व हो जाएगा। बस आपको विंड लोड कैलकुलेट करने में जितना टाइम लगेगा वो लगेगा, बाकी ये सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे जब आप एम बाई जेड कर रहे थे तो यहाँ पे 1.33 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब विंड लोड आएगा तो। ठीक है, तो आप हम लोग एक देख लेते हैं जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा वो होगा जिसमें हम लोगों का पर्लिन के केस में विंड लोड आ रहा है। तो उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है फॉर अ रूफ ट्रस ऑफ एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग फॉलोइंग डेटा इज गिवन। स्पैन ऑफ ट्रस इज इक्वल टू 6 मीटर, स्पेसिंग इज इक्वल टू 3 मीटर सेंटर टू सेंटर, इंक्लिनेशन ऑफ रूफ 30 डिग्री, स्पेसिंग ऑफ पर्लिंस 2 मीटर सेंटर टू सेंटर, विंड प्रेशर है 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, रूफ कवरेज है एसी शीट्स का जिसका वेट है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चूज अ सुटेबल एंगल सेक्शन। अब ये क्वेश्चन आपको लास्ट वाले क्वेश्चन के सिमिलर ही है। पर्लिंस में बेसिकली आपको क्या करने के लिए आता है कि आपको एक तो लोड कैलकुलेट कीजिए या फिर आपको लोड दे देगा, और जैसे इस केस में दिया हुआ है कि आपको विंड प्रेशर दे दिया है और डेड लोड का आपको सिर्फ यूनिट वेट दे दिया, आपको एरिया से मल्टीप्लाई करके वेट निकालना है और कह रहा है कि आप एक एंगल सेक्शन चूज कीजिए। तो आपको उस लोड के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट निकालना है, उसका सेक्शन मॉडुलस भी चेक करना है और देखना है कि कौन सा जो एंगल है वो जो आपके कंडीशंस थे लेंथ बाई 45 ब्रेथ बाई 60 इसको आपको सेटिस्फाई कर जाता है। अब क्वेश्चन में कई बार ये चूज अ सुटेबल के जगह पे ये भी लिखा रहता है कि डिजाइन अ सुटेबल सेक्शन। तो जब आप एंगल पर्लिन की बात करेंगे तो आप उसमें क्या क्या चीजें करते हैं, अगर आप डिजाइन करें या फिर आप उसमें सेक्शन चूज करें तो आप दोनों में एक ही चीज करते हैं। पहला आप निकालते हैं कि आपका बेंडिंग मोमेंट कितना है, उसके हिसाब से आप एंगल का साइज चूज करते हैं। तो आप एक बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और दूसरा आप उससे निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, और तीसरा आप करेंगे जो आपका डिफ्लेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया होता है एल बाई 60 और एल बाई या बी बाई 45। आप ये तीन चीजें ही चेक करेंगे, यही आपका डिजाइन भी कहलाएगा, इसी को आप कह सकते हैं चूज एन एंगल सेक्शन। तो क्वेश्चन में पहले से अगर आप ये इसके गूगल बुक का क्वेश्चन है उसमें देखेंगे तो उसमें आपको ये डिजाइन लिखा हुआ है। तो डिजाइन कहने का मतलब भी ये है पर्लिन के केस में कि इससे ज्यादा कोई चीज और होता नहीं है। उसके बाद पर्लिन आपको जाके दोनों तरफ ट्रसेस पे रेस्ट करेगा, वो उसमें वेल्डेड कनेक्शन होगा या रिवेटेड कनेक्शन होगा, वो आपको डिजाइन पोर्शन में नहीं काउंट करना है। तो पर्लिन के केस में आपको सिर्फ ये तीनों स्टेप निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है टोटल लोड की वजह से, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस आपको चेक करना है, और जो जेड आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उससे ज्यादा होना चाहिए, और प्लस साथ में ये थर्ड वाला क्राइटेरिया भी पूरा होना चाहिए। ठीक है,
अब आपको क्वेश्चन में, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेड लोड गिवन था, हम लोग उसमें लाइव लोड भी ऐड कर दिए। अब इस वाले क्वेश्चन में डेड गिवन है और विंड प्रेशर भी आपको दे रहा है। अब विंड प्रेशर ये क्या है, ये आपका पी जो आप निकालते थे 0.6 इंटू वीजेड स्क्वायर। अब इससे जो आपको वैल्यू मिला, ये आपको मिला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अभी आपको ये बता दिया कि इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, आपको ये किलोन्यूटन में दे रहा है, उसको आप न्यूटन में चेंज कर लेंगे, तो इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको विंड प्रेशर एक साइड से लग रहा है। अब उसका वो आपको पर पर्लिन कितना लोड आने वाला है, पॉइंट लोड, वो आपको वो नहीं बता रहा है, क्योंकि वो आपके कंडीशन के हिसाब से वैरी करेगा। जब ये पर मीटर स्क्वायर में है, इसका मतलब है कि कितने मीटर स्क्वायर पे लगेगा, जो आपका एफ निकलेगा, जो आपका ये एफ होता था, ये किस पे डिपेंड करता था, सीपीई माइनस सीपीआई पे, और बाहर ये ए इंटू पीजेड पे। तो पीजेड तो आपको वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये इस पे गवर्न करेगा, सीपी माइनस सीपीआई। हम लोग इसको अगर वन कंसिडर कर लें, क्योंकि अभी बाकी सारे कंडीशंस नहीं है, तो वन अगर हम लोग इसको कंसिडर कर लें, तो इसका मतलब कि इनटू एरिया इनटू पीजेड बचा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे एरिया वैरी करेगा, वैसे वैसे फोर्स वैरी करते जाएगा। अब हम लोगों को एरिया कितना होगा, तो ये क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशन दे रहा है कि स्पेसिंग ऑफ पर्लिन इतना है और ट्रस का स्पेसिंग इतना है। इसको हम याद लिख सकते हैं स्पेसिंग ऑफ ट्रस, क्योंकि यहाँ स्पेसिंग एक और दिया है, ये पर्लिन का स्पेसिंग है। अब आपको क्वेश्चन समझना होगा कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। आपका एक तरफ का एक शीट है, ये शीट आपका एंगल के ऊपर आकर के रेस्ट कर रहा है, और ये आपको ट्रस के ऊपर आकर के इस तरह से सपोर्ट हो जाएगा सीट एंगल यूज करके, ठीक है। अब वो कह रहा है इसके ऊपर विंड प्रेशर आ रहा है, जो कि विंड प्रेशर है आपको 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको कितना मीटर स्क्वायर में आ रहा है, अभी आपको ये नहीं पता है। तो एक एंगल आपका यहाँ है एग्जांपल के लिए, दूसरा एंगल आपका यहाँ है, तो आपको क्या निकालना है, ये वाला हाफ से लेके नेक्स्ट वाले हाफ तक का ये वाला एरिया आपको निकालना है। ये एरिया अगर आपको मिल जाएगा, तो फिर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो जिस तरह से आपको डेड लोड आ जाएगा, उसी तरह से आपको विंड लोड भी आ जाएगा। अभी आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेशन में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डेड लोड भी जब आप एक पर्लिन डिजाइन करेंगे, इस पर्लिन को जब आप इस तरह से डिजाइन करेंगे, तो ये आपका इस तरह से पर्लिन बनेगा। अब उसका जो भी स्पैन होगा, उसमें आपको ये यूडीएल चाहिए, ये यूडीएल आपको किलो न्यूटन पर मीटर में होगा, या फिर फुल किलो न्यूटन में होगा, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एटलीस्ट आपको पर मीटर में निकालना है। मतलब आपको ये वाला जो विड्थ है, अगर आप इससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको, सॉरी, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस विड्थ को, तो ये क्या होगा, मीटर कैंसिल होकर के यहाँ पे सिर्फ मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ मीटर रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको इसके ऊपर इस डायरेक्शन में यूडीएल मिल जाएगा। दो डायरेक्शन होता है, एक अगर आप प्लान में देखेंगे, ये आप इस तरह से पर्लिन लगा हुआ है, तो ये हाफ ये वाला एरिया ले रहा है, हाफ ये वाला एरिया ले रहा है, तो एक तो ये लेंथ ले रहा है, और प्लस ये आपको इतना सा ये वाला विड्थ ले रहा है। तो अगर आपको ये विड्थ पता चल जाए, और आप इससे अगर आप 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, अगर आप उस विड्थ को, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 2 मीटर है, तो आप 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 3 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये अगर 1 मीटर आपका ये है, तो इस 1 किलो मीटर में आपको 3 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से आपको लोड लग रहा है। अब ये जितने का स्पैन होगा, 3 मीटर का हो, 5 मीटर का हो, आप उतने से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आपका लोड आते जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखना है कि ये आपका गैप्स कितना होगा, ताकि हम लोग विंड लोड को उसमें कन्वर्ट कर सके। उसके बाद डेड लोड का जो कंडीशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से भी हम लोग उसको पर मीटर में करना है। तो यही वाला विद जो हम लोग विंड लोड से करेंगे, सेम विद को अगर हम लोग डेड लोड में भी जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेड लोड भी हम लोगों को किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। अब कह रहा है चूज एन सुटेबल एंगल सेक्शन। तो सुटेबल एंगल सेक्शन चूज करने के लिए आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको लाइव लोड है कि नहीं है। तो जब आपको इंक्लिनेशन दिया हुआ है रूफ का 30 डिग्री, तो बेटर रहेगा कि आपको डेड लोड पता है, विंड लोड पता है, आप इंक्लिनेशन से अपना लाइव लोड भी निकाल लीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपका डेड लाइव और विंड लोड का जो आपका लोड बनता है, ये वाला जो इसके ऊपर आपको आएगा, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब क्वेश्चन में मूव करते डायरेक्टली, तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कंडीशन गिवन है कि आपका स्पैन ऑफ ट्रस जो है, ये एल जो है, ये आपका 6 मीटर है। फिर आपको कह रहा है स्पेसिंग ऑफ ट्रस, जिसको हम लोग एस भी कह सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेसिंग ऑफ ट्रस, ये भी आपको गिवन है कि 3 मीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब आपको कह रहा है इंक्लिनेशन, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और स्पेसिंग ऑफ पर्लिन आपको 2 मीटर है। ये सारा कंडीशन हम लोग यहाँ पहले आंसर्स में लिख लेते हैं, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन इज इक्वल टू 2 मीटर,
सेंटर टू सेंटर, ये मेंशन करना जरूरी है, सेंटर टू सेंटर मेंशन कर दीजिएगा तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका इफेक्टिव लेंथ है, तो इस 2 मीटर पे ही आपका कैलकुलेशन होगा। अगर आप ये आपका इनर डिस्टेंस होता 2 मीटर तो फिर आपको कुछ कंडीशंस गिवन होता कि वो वॉल पे रेस्ट कर रहा है जिसका वॉल का थिकनेस इतना है, तो वो आप ऐड करके इफेक्टिवली अपना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते, इस क्वेश्चन में गिवन रहता है ये सारा चीज, तो इसलिए आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद विंड प्रेशर आपको गिवन है कि विंड प्रेशर ये आपको 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। रूफ का शीटिंग्स, तो शीट वेट ये आपको गिवन है कि 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये सारा कंडीशंस आपका गिवन हो गया। अब सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, डेड लोड। अब डेड लोड किन किन चीजों का निकालेंगे, पहला जो हम लोग पर्लिन का निकालेंगे, सॉरी पहला जो हम लोग शीट्स का निकालेंगे कि शीट्स का कितना डेड लोड आ रहा है, दूसरा हम लोग पर्लिन का एक सेल्फ वेट एज्यूम कर लेंगे जो हम लोगों को कंडीशंस गिवन था, क्योंकि वही आपका टोटल डेड वेट होगा। तो आप सबसे पहले शीट्स के लिए आपको शीट का वेट कितना है, डेड लोड ड्यू टू शीट्स, तो ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर आप इसको विथ से मल्टीप्लाई करते हैं, जो विथ क्या होगा, अगर आपका एक पर्लिन यहाँ लगा हुआ था, एक पर्लिन आपका यहाँ लगा हुआ था, तो अब एक पर्लिन यहाँ लगा हुआ था, तो ये जो अगर सेंटर वाले की हम बात करें तो ये सेंटर से ये सेंटर, तो इसका मतलब है कि ये पर्लिन टू पर्लिन का जो स्पेसिंग है ये अगर 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होगा और यहाँ भी ये आपको 1 मीटर होगा, तो इफेक्टिवली मतलब क्या हो गया, ये स्पेसिंग ऑफ पर्लिन ही हो गया 2 मीटर, ठीक है। तो अब स्पेसिंग ऑफ पर्लिन कितना है, 2 मीटर आपको गिवन है, तो ये आप जब 2 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 400 न्यूटन पर मीटर, ये आपका डेड लोड आ गया शीट्स की वजह से। अब डेड लोड ड्यू टू पर्लिंस, तो पर्लिंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 न्यूटन पर मीटर का एज्यूम कर लेंगे। अब पर्लिंस का आपका वेट लेंथ कितना है, ये आपको स्पेसिंग ऑफ ट्रस है 3 मीटर, मतलब ये आपका ट्रस एक है, ये आपका दूसरा ट्रस है, इसके बीच में पर्लिन इस तरह से कनेक्ट हो रहा है और ये इसका स्पेसिंग जो है ये 3 मीटर है सेंटर टू सेंटर, मतलब आपको लेंथ कितना हो गया 3 मीटर हो गया, तो ये आपको इसमें गिवन नहीं 100 न्यूटन पर मीटर है, ये मल्टीप्लाइड बाय आपको अगर आप 3 मीटर रहेंगे तो आपको टोटल वेट आ जाएगा। तो हम लोग अभी 3 मीटर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों को पर मीटर के हिसाब से ही वेट चाहिए, यहाँ भी पर मीटर के हिसाब से ही वेट आ रहा है, फिर हम लोग डब्ल्यू स्क्वायर बाय 10 वाले फॉर्मूला में लगाएंगे तो हम लोगों को टोटल मिल जाएगा। तो ये हो गया शीट्स की वजह से, ये हो गया पर्लिंस की वजह से, और डेड लोड किसी चीज की वजह से आ नहीं रहा है, तो टोटल डेड लोड हो जाएगा, टोटल डेड लोड ऑन पर्लिंस इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब ये हो गया आपको टोटल डेड वेट। डेड लोड कैसे एक्ट करता है, क्योंकि सारे का डेड वेट है और ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो ये इस तरह से एक्ट करेगा। अब आपको क्वेश्चन में विंड लोड गिवन है, जो कि विंड लोड आपको इस तरह से एक्ट करता है क्योंकि वो आपको सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो अब आपको ये डेड लोड जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, विंड लोड इस तरह से एक्ट कर रहा है, तो आप अगर डेड लोड पे ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि डेड लोड ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये आपका उसका इंक्लाइन कंपोनेंट हो जाएगा, तो इंक्लाइन कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डेड लोड है आपका फॉर एग्जांपल 500 न्यूटन पर मीटर, तो आपका 500 मल्टीप्लाइड बाई अगर आप 30 डिग्री इंक्लिनेशन है cos 30 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा जो आपका इंक्लाइन डेड लोड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 433 न्यूटन पर मीटर। तो यहां हम लिख देंगे कि इंक्लाइंड वेट डेड लोड इज इक्वल टू 433 न्यूटन पर मीटर। यहां पर इंक्लाइन डेड लोड नहीं लिख करके ये भी लिख सकते हैं डेड लोड ऑन पर्लिंस, डेड लोड एक्टिंग नॉर्मल टू पर्लिंस। तो इससे क्या क्लियर हो जाएगा कि ये डेड लोड है जो पर्लिन पे आ रहा है, यहां पे आप लिख सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये चीज बताना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कई बुक्स में कि ये 500 न्यूटन पर मीटर को यहाँ पे एजम्पशन में लिख देता है कि वो एक्टिंग नॉर्मल टू द पर्लिंस, ये यहीं पे लिख देता है, लेकिन अब इसमें आपको पता है कि विंड लोड आपको गिवन है जो कि हम लोगों को पता है इंक्लाइन होगा और डेड लोड का आपको सारा कंडीशन दिया है, तो जब सारा कंडीशन दिया है और आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको एक डाउनवर्ड्स लोड ही बनेगा, क्योंकि अगर आपका ये पर्लिन नहीं होता या अगर आपका एक बीम होता तो इस बीम में भी अगर आप इसी कंडीशन से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे आपको क्या आता 500 न्यूटन
पर मीटर आपको नॉर्मल डाउनवर्ड्स लोड आता, तो आप इसी नॉर्मल डाउनवर्ड्स लोड को आप इंक्लाइंड एज्यूम कैसे कर सकते हैं? तो आपको पर्लिंस का एंगल इसमें गिवन है, नहीं गिवन होता तो आप यही वाले को हम लोग एज्यूम कर लेते, लेकिन जब एंगल गिवन है हम लोगों को पता है कितने एंगल से इंक्लाइंड हो रहा है, तो हम एग्जैक्ट क्या निकाल सकते हैं इसको। अब ये 433 का आपका टोटल डेड लोड हो गया पर्लिंस की वजह से। अब आया सेकंड कंडीशन आपका लाइव लोड का। अब आपको लाइव लोड नहीं पता है ना, क्वेश्चन में गिवन है, फिर भी आप इसको निकालेंगे। तो लाइव लोड का आपको फॉर्मूला होता है कि तब 30 डिग्री से अबव हो जाता है, तो लाइव लोड आपको 30 डिग्री आपको है तो 10 डिग्री से जब अबव हो जाता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 0.75 माइनस 0.02 इंटू थीटा माइनस 10। अब आपका थीटा है 10 डिग्री, तो थीटा है आपका 30 डिग्री, तो अब आपका ये टोटल हो जाएगा 0.75 माइनस 0.02 इंटू थीटा माइनस 10, मतलब 30 माइनस 10, तो ये 20 हो जाएगा इफेक्टिवली, और 20 इंटू 0.02 इसका मतलब 0.75 माइनस 0.4, ये आपको उसमें सब करना है, ये हो जाएगा 0.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको ये 0.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, जबकि आपको मिनिमम कितना लेना होता है, मिनिमम लाइव लोड इज इक्वल टू 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये आपको मिल गया। अब ये 4.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी अगर आप इंक्लाइन लेंगे तो यहां पे आप लिख सकते हैं इस तरह से कि टोटल लाइव लोड, या तो पहले आप इसको इसके स्पैन से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि ये आपको 2 मीटर का है, तो आप इसको पहले ही 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप जब 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 0.8 किलो न्यूटन पर मीटर का आपको टोटल लाइव लोड आ जाएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि लाइव भी नीचे की तरफ जाएगा, तो ये हो गया आपको लाइव लोड का वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब आपको टोटल लाइव लोड और ब्रैकेट में आप लिख देंगे एक्टिंग नॉर्मल टू रूफ, तो ये हो जाएगा आपको 0.8 इंटू कॉस 30, तो ये हो जाएगा 0.69 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 690 न्यूटन पर मीटर। ये टोटल आपको डेड लोड लाइव लोड आ गया, ये आपको टोटल आपका डेड लोड आ गया। अब आपको 2 मिल गया, और विंड लोड आपको प्रेशर में गिवन है, तो या तो आप ऐसा कर ले कि इसको भी आप कन्वर्ट करके 0.433 किलो न्यूटन पर मीटर कर दें, और इसको भी आप 0.69 किलो न्यूटन पर मीटर रहने दें, तो इससे क्या होगा कि जब आपका प्रेशर भी आपका किलो न्यूटन में है तो आप उसको भी किलो न्यूटन में निकाल लेंगे, तो तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो वो हम लोगों का टोटल लोड मिल जाएगा। तो विंड प्रेशर भी आपको यहां गिवन है कि 1.5 विंड प्रेशर, ये गिवन है आपको कि 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एक्ट कर रहा है। अब आपको ये आपका पर्लिन का लेंथ है, और ये आपको एक ट्रस पे आके इस तरह से रेस्ट कर रहा है। अब आपको ये पता करना है कि ये कितने विड्थ तक में इसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि जब आप विड्थ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पर मीटर में आपको लोड आ जाएगा, और फिर जो स्पैन होगा वो तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट में एल के फॉर्मूला से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ही, जैसे अगर हम लोग W²/10 ले रहे हैं तो वो जितना एल का होगा उसके लिए तो आपको टोटल लोड आ ही जाएगा। तो जब आप टोटल स्पेसिंग को 1 मीटर विड्थ के लिए ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपको ये सिर्फ इसके ऊपर कितना एक्ट कर रहा है। तो अब आपको ये गिवन है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये स्पेसिंग कितना है एक पर्लिन और दूसरे पर्लिन के बीच का, ये स्पेसिंग है आपको 2 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम लोग इसको टोटल विंड प्रेशर निकाल लें, टोटल विंड फोर्स निकाल लें, तो टोटल विंड फोर्स हो जाएगा 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर, तो ये हो जाएगा आपको 3 किलो न्यूटन पर मीटर। अब विंड लोड जो होता है ये ऐसे ही आपको, जब अगर आपका ये पर्लिन और ये आपका एंगल है, सॉरी ये शीट है, ये एंगल है, तो ये इसके ऊपर वैसे ही आपको 90 डिग्री में एक्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो निकला है इसको हम लोगों को कोई चेंज नहीं करना है। तो अगर हम अब हम लोग अगर निकाल लें कि टोटल लोड ऑन पर्लिन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपको 0.433 प्लस 0.69 प्लस 3 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये हो जाएगा आपको 4.12 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपको टोटल लोड मिल गया। तो अब अगर आपको बोला जाए कि बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, तो ये आपको पता है कि ये हो जाएगा WL²/10,
अब आपको एल कितना आएगा, तो दोस्त के स्पेसिंग था ये आपको 3 मीटर सेंटर टू सेंटर था, तो एल 3 हो गया, लोड हो गया 4.12 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई आपको 3 मीटर का स्क्वायर, मतलब एक्चुअली ये यूनिट्स हटा देते हैं हम, तो 4.12 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपको आ जाएगा 3.708 किलो न्यूटन मीटर। अब ये आपको टोटल बेंडिंग मोमेंट आ गया, ठीक है। तो अब आपका अगर बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग चेक करना चाहें, तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए आपको पहले सिग्मा पता होना, सॉरी अगर हम लोग सेक्शन मॉडुलस चेक करना चाहें कि सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड, तो ये कितना होगा सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड, तो ये हो जाएगा एम बाई सिग्मा। अब सिग्मा आपको पता है कि आप यहां पे एज्यूम करेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू 165 फॉर एफ वाई इज इक्वल टू 250, ठीक है, ये आपका एजम्पशन हो गया। लेकिन अब इसमें आपको क्या हो रहा है, विंड प्रेशर भी आ रहा है, तो विंड प्रेशर का मतलब क्या है कि आपको हॉरिजॉन्टल लोड्स लग रहा है, तो इसके लिए आपको सिग्मा जो होगा वो 1.33 करना होगा, तो यहां पे आपको फॉर्मूला में लिखना होगा m डिवाइडेड बाय 1.33 सिग्मा। तो अब आपको m पता है कि ये आपका 3.708, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे न्यूटन एमएम में, ये इनटू 10 रे टू पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.33 एंड मल्टीप्लाइड बाय 165, तो आपको z रिक्वायर्ड आ जाएगा 16897 mm³ राउंड फिगर में। अब आपको z रिक्वायर्ड पता चल गया कि 16897 आपको 16897 mm³ आपको रिक्वायर्ड है। अब आपको स्टील लेवल में जाना है और देखना है कि 16897 से ज्यादा का आपको कौन सा वो एंगल है जो आपको अवेलेबल है स्टील लेवल में, जिसको आप चूज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या देखना होगा कि जो भी आपका z रिक्वायर्ड आ रहा है उसके लिए जो आप एंगल चूज कर रहे हैं, अगर वो अनइक्वल है और आप 100 बाई 85 या 90 यूज कर रहे हैं, तो उसका आपको कंडीशन जो है वो आपको सेटिस्फाई हो। कौन सा कंडीशन, तो वो होगा कि आपका लेंथ और विथ के हिसाब से, जो आपका एंगल का डेप्थ और विथ चेक होगा, तो विथ का कंडीशन आपको कितना है एल बाई 60 है, तो एल बाई 60 के लिए आपको देखना होगा कि एल आपका कितना है 3 मीटर सेंटर टू सेंटर है, तो इसका मतलब कि 3 मीटर डिवाइडेड बाई 60, और आपको L by 45 भी चेक करना है, तो 3 मीटर डिवाइडेड बाई 45, तो ये आ रहा है 50 mm और ये आ रहा है 66.67। तो मतलब आप जो भी आप एंगल चूज करेंगे उसका जो डेप्थ होगा, जो हाइट होगा उसका, वो 70 mm से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 66 से ग्रेटर आपको 70 mm मिलेगा और 50 से ग्रेटर आपको 55 mm मिलेगा। तो अब आपको मिनिमम तो 70/55 चूज करना ही है, और अगर उतना में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है जेड रिक्वायर्ड, तो जो भी आप चूज कर रहे हैं अगर वो इससे ज्यादा है, तो उसका मतलब है कि वही सबसे आपको मिनिमम है जो आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जेड रिक्वायर्ड से आप जस्ट देखेंगे कि जो नेक्स्ट आपका आ रहा है वो आपके में उसका अगर रिक्वायरमेंट अगर आपका 100/95 है, तो आपको लगेगा कि 55 ही रिक्वायर्ड था, तो 55 के बदले 95 क्यों देना। लेकिन अगर आप जैसे ही 100/95 से कम कीजिएगा तो जेड रिक्वायर्ड आपका कम हो जाएगा। तो आपको दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, इसके लिए मिनिमम 55/70 होना चाहिए और इसके हिसाब से जेड रिक्वायर्ड भी पार होना चाहिए। तो अब हम लोग स्टील टेबल देखेंगे कि कौन सा एंगल है अनइक्वल एंगल जिसमें आपको ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग स्टील टेबल से देखेंगे तो 125/95/8 है जिसका हम लोगों को जेड वाई वाई जो है वो हम लोगों का 18,500 mm³ है। इससे स्मॉलर आपको कोई और दूसरा सेक्शन नहीं है जो इससे ज्यादा हो और आपको ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा हो। तो 16,897 के बाद जो नेक्स्ट जो अवेलेबल है वो आपका 18,500 ही अवेलेबल है, जो कि आपको 125/95/8 में मिलता है। तो 125 आपको 70 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई हो गया। तो यहां आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर 125 mm इज ग्रेटर देन 70 mm, सॉरी या फिर आप एग्जैक्टली लिखेंगे 66.67 mm एंड 95 mm इज ग्रेटर देन 50 mm। इसका मतलब है कि देयरफॉर प्रोवाइड ISA 125/95/8। तो इसमें आपको सारा कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाता है। इसमें भी आप लिख देंगे यहाँ पे दिस इज ग्रेटर देन 16897 mm³, देयरफॉर ओके। तो मतलब आपको z का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया और आपको ये डिफ्लेक्शन का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो ये है आपका दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल।
अब एक न्यूमेरिकल क्या हो सकता था इसी तरह में कि आपको ये विंड प्रेशर जो दे रहा है क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए, आपको ये विंड प्रेशर नहीं देता और आपको कंडीशन दे देता कि ये इंडस्ट्रियल साइट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इसमें क्या होता कि फिर से आप वापस स्टार्ट करते हैं अपना वीजेड कैलकुलेट करते, उसके लिए आपको K1, K2 एंड K3 निकालना पड़ता, फिर VB से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर आप PZ निकालते तो वो आपको 0.6 VZ स्क्वायर निकलता और वो PZ को आप लेकर के यहाँ आप अपने एरिया के हिसाब से आप अपना फोर्स निकाल देते। तो क्योंकि आपको अब ये भी नहीं बताया है कि कितने हाइट का बिल्डिंग है उसके ऊपर किस तरह से आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको CPE माइनस CPI तो ये दोनों जो आप टेबल से निकालते थे, ना आपको परमिएबिलिटी का पता है ना आपको बिल्डिंग के कुछ हाइट स्ट्रक्चर का पता है, तो इसलिए आप CPE माइनस CPI को नहीं निकाल के आप इसको डायरेक्टली 1 एज्यूम कर लेंगे। तो 1 एज्यूम कर लेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो डायरेक्टली एरिया इंटू PZ हो जाएगा। अब हम लोगों को एरिया चाहिए ही नहीं क्योंकि हम लोगों को पर मीटर पे लोड निकालना है। अगर आप फोर्स से निकालेंगे एरिया से मल्टीप्लाई करके तो वो टोटल लोड किलोन्यूटन में आ जाएगा, तो वो टोटल लोड होगा। फिर उस केस में आपको जो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला यूज करना होगा वो यूज करना होगा WL/10। ये W क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया पे जो लोड हो जाएगा। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्मॉल W वाला कर रहे हैं, तो हम लोग WL²/10 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही दो टाइप के न्यूमेरिकल आपको एंगल पर्लिंस के केस में हो सकते हैं, इससे बियॉन्ड एंगल पर्लिंस में कुछ नहीं है। एंगल के ऊपर आपको लोड्स आता है, लोड शीटिंग्स की वजह से आता है, लाइव लोड की वजह से आता है और सेल्फ वेट की वजह से आता है। हम लोग तीनों चीज को कंसिडर कर लिए, उसके बाद आपको विंड लोड की वजह से भी आ सकता है। विंड लोड का क्वेश्चन में आपको कंडीशन कुछ गिवन होगा, प्रेशर गिवन होगा तो डायरेक्टली विथ से मल्टीप्लाई करके आप लोड निकाल लीजिए, नहीं गिवन होगा तो कुछ कंडीशन गिवन होगा ताकि आप ये कंडीशन निकाल सके। फिर आपको टेबल का रिक्वायरमेंट होगा उसमें, क्योंकि K2 के केस में तो आपको एटलीस्ट टेबल का रिक्वायरमेंट होगा। आप K1 को 1 और K3 को 1 तो एज्यूम कर लेंगे, VB आपको सिटी के हिसाब से पता चल जाएगा, बट K2 के लिए आपको टेबल पता होना पड़ेगा, तो वो आप निकालेंगे तब आपको PZ निकलेगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन अगर देगा तो वो 6 मार्क्स में होगा, ऐसा भी 6 मार्क्स में दे सकता है अगर आपको विंड प्रेशर वाला जो भी लोग सॉल्व किए हैं ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया तो ये भी 6 मार्क्स में आ सकता है, बट लेंदी करने के लिए ये वाला प्रोसेस यूज किया जा सकता है। इसके अलावा पर्लिंस में कोई लोड आते नहीं है, तो जब कोई लोड नहीं आएंगे तो कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। यही जो डिजाइन के स्टेप्स हैं वो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए कि एक आपको जेड रिक्वायर्ड जो है वो जेड प्रोवाइडेड जेड रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा L/60 और L/45 का वैल्यू याद रखना है, इससे भी ज्यादा आपको एंगल सेक्शन का साइज होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाला पर्लिंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्लिंस सेफ हो गया है। ये आपको शीट्स का वेट, डेड वेट, लाइव वेट और आपका पर्लिंस का सेल्फ वेट सारी चीजों को ये बियर कर सकता है। तो यही है आपको एंगल सेक्शन पर्लिंग के इस पार्ट में। तो इससे हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है यूनिट 5 जो कि हमारा स्टील रूफ ट्रस था। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में आपको कॉलम बेसिस के सारे कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट करा दें। इनकेस अगर न्यूमेरिकल उसमें भी साथ में नहीं हो पाएगा थ्योरी के, तो नेक्स्ट 2 क्लासेज में आपका स्टील स्ट्रक्चर का सारा सिलेबस जो है इस सेमेस्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको इस क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।